told your friend you're not okay. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा स्वागत है आप लोगों का सुबह सुबह, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग बहुत सुबह उठ गए थे, बट अभी भी हम लोग गप्पे मार रहे थे क्योंकि आपको पता ही है जब घर में फैमिली मिलती है तो क्या होता है, रात भर हम लोग सोए भी नहीं, मेरे चेहरे पे दिख भी रहे हैं वो, तो गप्पे मारे 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 और सुबह उठे, बस फ्रेश हुए और नहाए धोए और फटाफट हम लोग निकल गए क्योंकि जर्नी अभी लंबी है और हमारा रास्ता अभी उतना क्रॉस भी नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग बस निकल पड़े दिल्ली से आगे की तरफ जहाँ पे भी जाना है रास्ता मेरी बेटी बता रही है, तो जैसे जैसे हमें जाना है और मेरे साथ चले चलते रहिए, मजा आएगा आपको भी और मुझको भी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सुबह सुबह का जो नजारा है दिल्ली का, सूरज उग चुका है और बिल्डिंग्स पे जो रोशनी पड़ रही है, सामने का सीन इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा चारों तरफ पर ब्रिजेस है ना, जैसे एकदम नेट बन गया हो, ये वैसा है कुछ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, इधर की तरफ थोड़ी शांति दिखाई दे रही है, मस्त लग रहा। सो फ्रेंड्स, ग्रेटर नोएडा तो ना पता है इतनी बिल्डिंग से भरा पड़ा है, आई थिंक 10 साल पहले इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, अब तो मतलब भर गया है ये पूरा का पूरा, कंस्ट्रक्शंस और जेसीबीज यहाँ पे इतने भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, देखने में ये बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा धांसू लग रही है सही बताऊँ तो, बट इतना कंस्ट्रक्शन हमारे धरती के लिए कितना सही है वो तो पता नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं यमुना एक्सप्रेस पे, मतलब ये अब जर्नी हमारी यमुना एक्सप्रेस की शुरू होने वाली है, तो देखते हैं कैसी सड़कें हैं, बहुत सुना है कि बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं इधर, और आगरा की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हम आगरा में मतलब जो ताजमहल है वो तो नहीं घूमने वाले हैं, बट यस कोशिश करेंगे कि अगर दिखा भी सके आप लोगों को तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जर्नी जो हो रही है हमारी थोड़ी सी अभी डल हो रही है क्योंकि हम लोग सुबह सुबह उठे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग सुस्त जैसे हैं, बट ठीक है जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, और धूप बहुत तेज़ निकल गई है, बहुत तेज़। और पर यह है कि नोएडा जो था ना वो तो यार बहुत ही मस्त सड़कें थी, वहाँ पर बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स थी, और ये जो रास्ता है वो शानदार लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आगरा है यहाँ से 184 किलोमीटर, और ये एक्सप्रेस हाईवे आप देख सकते हो, क्या मज़ेदार गाड़ियाँ चल रही यहाँ पे जूम जूम करके, मतलब यार इंडिया में इतनी अच्छी सड़कें मिल जाए ना तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है बताओ। सो फ्रेंड्स, हम हैं यमुना एक्सप्रेस पे और आपको पता ही है ये शानदार सड़क बनी है जो लखनऊ से, इसको इतनी मतलब जल्दी हम लोग इस जगह पे पहुंच सकते हैं, जो पहले 4-6 घंटे लग जाते थे अब बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाया यार क्या शानदार सड़क है, मतलब जूम जूम गाड़ियां जा रही है और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे को लगा ही कि मेरे हस्बैंड बोले नहीं रुकना है यहाँ पे, बट मैंने कहा नहीं थोड़ा सा रुको बस मुझे अच्छा लगेगा इसलिए थोड़ा सा रुको, यार मतलब ऐसी सड़कें होनी चाहिए मज़ेदार वाली, कहीं भी जा सकते हो मज़ेदार से, और मतलब सड़क बिल्कुल खाली है, मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं पर पता नहीं चल रहा है, और हम बहुत ही आराम से जाने वाले हैं, ओ बहुत 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 मज़ा आ रहा है यार। कार की जर्नी में बस यही दिक्कत है कि आपको मैं कोई भी चीज़ ऐसे रुक के नहीं दिखा सकती हूँ, बट जो भी मुझे अच्छा लग रहा हो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये यमुना एक्सप्रेस का ना ये टोल गेट है जो आया है, बहुत ही ज़्यादा, ये भी इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, ये देखो बहुत अच्छा। सो
फ्रेंड्स हाईवे पे चलते 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 अभी एक रेस्टोरेंट आया है जहाँ पे हम रुके हैं, तो थोड़ा कुछ नाश्ता पानी करेंगे क्योंकि हमने सुबह कुछ खाया नहीं था। हम लोगों ने टी पिया और उसके बाद फ्रेश हुए, उसके बाद बस निकल गए क्योंकि हम चाहते थे जितना जल्दी हो सके ना मॉर्निंग में उतना जल्दी निकल जाए। तो बस अब देखते हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा खाने से भी मुझे ना कार में बैठने के बाद थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आने लगती है, क्योंकि डाइजेस्ट तो होता नहीं है। हम खा तो लेते हैं, कल मुझे ऐसा ही हुआ था इसलिए आज मैं नहीं खाने वाली हूँ ज़्यादा। देखते हैं क्या क्या मिल रहा है हमको अंदर। चलो क्या मिल रहा है हमें। स्वीट कॉर्न भी मिल रहे हैं हमें। व्हाट आर दिस? व्हाट आर दिस? ओ यार ये इमली है ना, इसमें टॉफीज वाला भी तो है। इसको खाने में इजी है, इसको खाने में इजी नहीं है। इसको आपको क्या हैंड में पूरा खाना पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए चून वगैरह मिल रहा है, ये ज़्यादा बेटर है। आम खाते ठीक है, चुलबुली इमली। तो फ्रेंड्स हम ले रहे हैं काठी रोल, कौन सा वाला, वेज वाला ना, 90 रुपीज़ वाला, और एक और पनीर वाला भी है। चाय भी ले लेते हैं फटाफट। अच्छा टेस्टी। फ्रेंड्स अभी हम दूसरी जगह रुके हैं पेट्रोल लेने के लिए, तो बहुत पहले हमने लिया वहां पर दिल्ली में, और उस मतलब दिल्ली में नहीं जलंधर में, और उसके बाद फिर ये हमारा नेक्स्ट टाइम है जब हम पेट्रोल ले रहे हैं। तो ये जो रास्ता है ये मथुरा जाने वाला, वृंदावन जाने वाला रास्ता है जिसपे हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि आप हाईवे तो है ही, बट यमुना एक्सप्रेस पे जितने भी मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे, मतलब 50 किलोमीटर ऐसे करके, यहाँ पे अच्छे खासे रिफ्रेशमेंट के बने हुए हैं, वॉशरूम वगैरह हैं और पेट्रोल पंप भी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है मुझे, मतलब आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा ईजी और कम्फर्टेबल हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, जब आदमी जर्नी करता है तो उसको 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, खाना पानी मिल जाए और जो गाड़ी है उसको भी पानी मिल जाए, तो बस उसके बाद मस्त है। तो आप पेट्रोल लेते हैं यहाँ से और फिर पता है सेम हमें सीधे चलते जाना है, चलते जाना है। इसलिए मैं रास्ते में आपको कुछ दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, बट आई एम एन्जॉइंग, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। लॉन्ग ड्राइव पे मज़ा आता है, मतलब मैंने इतनी लॉन्ग ड्राइव से पहले कभी करी नहीं है, पर बहुत मज़ा आ रहा है। भैया आपने निकाला कहाँ, देखो ये कहाँ निकला आप बताओ। अभी थोड़ा ही सैंपल दिखाया, ये पूरा निकाल देंगे, ये प्रोडक्ट होता है। नहीं नहीं नहीं
पूरा निकाल के दे देंगे आपको पूरा गारंटी के साथ। पर मेरा ये निकला भी नहीं है, मेरे को नहीं वो अभी इधर से नहीं निकाला देखो। नहीं नहीं तो ये वाली चीज जो स्क्रैच का है ना, ये देखो एक ये देखो पहले। नहीं 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 और देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। और देख मतलब मुझे तो नहीं लगा कि ये निकला है कुछ, बस वो थोड़ा सा हल्का सा हुआ है। प्रिंट आउट थोड़ी निकलेगा, ऐसे कोई कलर थोड़ी है जो सर कलर कर रहा है। अगर ये निकल जाते तो फिर भी एक वो ठीक है। बाकी का तो स्क्रैच साफ हो गया है, स्क्रैच निकाल वो जो ये हल्का हल्का सा चीज है वो स्क्रैच ही निकालता है। टीवी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। फ्रेंड्स अब यमुना वाला जो एक्सप्रेस था वो खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। तो यहाँ पे देखिए एक डाइवर्जन है तो हमें लेफ्ट टर्न लेना पड़ रहा है। सबसे लंबे है ये सबसे लंबा है, ये सबसे लंबा एक्सप्रेस है। ज्यादा दूर लंबाई ज्यादा, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। हाँ डिस्टेंस ज्यादा है। ये देखो ये क्या सही लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। पर मुझे लगता है अभी लगा नहीं है यहाँ पे। क्या ये लगा रहे हैं देखो ना यहाँ पे लगा हुआ है। नहीं देखो आप। नहीं नहीं कहाँ लगा हुआ है मम्मी, ऐसे देखो लाइटें हैं ऑन है। लग नहीं रहा है। सो फ्रेंड्स बहुत देर के बाद ना एक बहुत बड़ी नदी, बिल्कुल दूर दूर तक फैली हुई नदी ये दिखाई दी हमें। पूरे रास्ते हम स्ट्रेट चले जा रहे हैं, स्ट्रेट चले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं था और अचानक से एक बहुत बड़ी नदी आई है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा है, या तो बारिश का पानी भी हो सकता है ये। अभी हम पहुंचने वाले हैं लखनऊ थोड़ी देर में, बट अभी देखिए रास्ता बहुत ही शानदार रहा है हमारा। बट दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, स्ट्रेट स्ट्रेट चले जा रहे थे इसलिए बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने। सो फ्रेंड्स हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जस्ट थोड़ा ही सा डिस्टेंस रह गया है और यहाँ पर हम अपने थोड़ा सा नाश्ते पानी के लिए रुके हैं। अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया क्योंकि ये जो ओवर फ्लाईओवर है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बट खाना जो बोलते हैं ना प्रॉपर खाना वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी बस हम कुछ कुछ थोड़ा बहुत खाने वाले हैं और फिर आगे अपनी जर्नी पर निकलने वाले हैं। धूप बहुत तेज़ है, देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो चलो फिर थोड़ा कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लखनऊ पहुंच गए हैं और ये एक सिटी थोड़ी डिफरेंट ही लग रही है। अभी तो हम आउटर आउटर से ही निकल रहे हैं क्योंकि हमें अपनी डेस्टिनेशन पहुंचना है बिहार। तो चलो चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं। ट्रैफिक दिखा के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, तो चलो। फ्रेंड्स अभी हम लखनऊ जो छावनी है यहाँ की जो आर्मी कैंट है उससे गुजर रहे हैं।
और आपको पता ही है जो भी आर्मी एरियाज होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं, भले ही कितना भी ट्रैफिक है बट इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रखा है, तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की। सो फ्रेंड्स, अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी रोड है और ये यूपी का जो पूर्व का एरिया है वो ये है। और सूरज की रोशनी देखो मेरे फेस पे कैसे पड़ रही है, योगी जी का एरिया है और मस्त वाली सड़क है। तो अब चलते हैं इन सड़कों पर। सो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल भरवा रहे हैं। ये हम तीसरी बार पेट्रोल भरवा रहे हैं, सोचो इतना पेट्रोल तो लग चुका है। बट जगह देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है। मतलब ऐसी जगह पे लगता है कि थोड़ी देर ठहर जाओ, पर ऑब्वियसली हमें ठहरना नहीं है, हमें चलते रहना है। तो बस, पर जब पैर सीधे करना हो तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये कुछ ऐसी जगह है और पता है ये वाला एरिया जो है ना वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। पीछे का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और सूरज की रोशनी मेरे पूरे चेहरे पे आ रही है। फेस देखो कैसा हो गया, एकदम अजीब सा, क्योंकि मौसम ऐसा था कि ना तो गर्मी है और ना ठंडी है, बट ठीक है मौसम अभी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम ऐसे भी चला सकते हैं, मतलब बिना एसी के भी हम मज़े से आ रहे थे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी कम लाइट है, मैं कार के अंदर बैठी हूँ और वहीं से शूट कर रही हूँ। अभी हम जिस रास्ते पे जा रहे थे वहाँ बीच में एक सड़क टूटी हुई थी और जिसकी वजह से हमें 10 किलोमीटर पूरा घूम के आना पड़ा है, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई है सोचिए। तो अब हम बस ये देख रहे हैं कि हम जहाँ पे भी जो पहला डेस्टिनेशन मिलेगा वहाँ पे अब नाइट स्टे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया और हम लोग बहुत बुरी तरीके से अब थक भी चुके हैं। तो चलो फिर देखते हैं कहाँ रुक पाते हैं, बस होप कि एक बहुत अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे हम रात गुजार सकें।